हेलो फ्रेंड्स, मेरे पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीजें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइन्स को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो उस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज सेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायरिश शेप में नजर आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को हम यहाँ पर चेक करें तो आप देख सकते हैं फिंगर्स थोड़ी सी शॉर्ट साइज्ड हैं, बहुत ज्यादा लंबाई में फिंगर नजर नहीं आ रही, जो इंडिकेट करती हैं थोड़ी हेस्टी नेचर को भी। ऐसे व्यक्ति जिनकी फिंगर्स की लंबाई शॉर्ट हो या मीडियम हो, थोड़े से जल्दबाज नेचर के हो सकते हैं, लेकिन बाकी के प्रभाव रेखाओं से भी आते हैं। तो यहाँ पर कुछ इस तरह की नेचर रहने की संभावना, और फिंगर्स के बीच में यहाँ पर कुछ गैप्स आपको नजर आएंगे। इस एरिया में आप देख सकते हैं आपको एक हल्का गैप नजर आएगा। इस तरह का गैप होने से नेटिव थोड़ा सा जिद्दी स्वभाव का भी हो सकता है, खर्चीली टाइप की नेचर रहती है। जब सभी फिंगर्स के बीच में कुछ गैप्स हों तो ऐसे व्यक्ति धन के मामले में थोड़े से खर्चीले हो सकते हैं। और अगर हम पर्टिकुलर फिंगर्स की बात करें तो शनि फिंगर यहाँ पर बिल्कुल स्ट्रेट नजर आ रही है। शनि फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट हो और शनि माउंट फ्लैट हो तो नेटिव बहुत ही मेहनती होता है, या दूसरे शब्दों में कहें कि ऐसे नेटिव को लाइफ में काफी मेहनत करनी पड़ती है। और इसी मेहनत की मेहनत के कारण ऐसे व्यक्ति लाइफ में काफी कामयाब भी हो जाते हैं। और अगर हम देखें इनके इनके इंडेक्स फिंगर को, यानी कि गुरु की उंगली को, गुरु फिंगर में थोड़ा सा आपको इस तरह से झुकाव शनि फिंगर की तरफ होता नजर आएगा, स्पिरिचुअल टाइप की नेचर ऐसे व्यक्ति की। और यह फिंगर अगर स्ट्रांग हो तो नेटिव काफी ज्यादा स्पिरिचुअल होता है। यहां पर आप देख सकते हैं फिंगर की जो थिकनेस है काफी अच्छी है, स्ट्रेट फिंगर है, लीडरशिप क्वालिटीज ऐसे व्यक्ति के भीतर अच्छी रहती हैं। और साथ ही साथ अगर यह फिंगर स्ट्रांग हो तो नेटिव नॉलेजेबल भी होता है। तो यहां पर इस तरह की पर्सनैलिटी रहेगी। और अगर हम बात करें इनकी सूर्य फिंगर की, बेशक थोड़ा सा फिंगर्स की का झुकाव जो है इनकी गुरु फिंगर का और सूर्य फिंगर का, वो इनकी मध्यमा उंगली की तरफ, शनि की उंगली की तरफ हो रहा है, जिसकी वजह से थोड़ी वैराग्य की भावना भी इनके भीतर रह सकती है। लेकिन यह फिंगर भी बिल्कुल स्ट्रेट है, थिकनेस में अच्छी है, लंबाई में मीडियम है, जिसकी वजह से क्रिएटिव नेचर रहेगी, आर्टिस्टिक क्वालिटीज इनके भीतर रहेंगी, और एक लंबी सूर्य रेखा भी इनके हाथ में मौजूद है, जिसकी वजह से काफी अच्छा सोशल सर्कल और फेम भी इनको मिलने की संभावनाएं रहेंगी। बात करते हैं आगे मर्करी फिंगर की। मर्करी फिंगर को अगर देखें तो सबसे पहले तो गैप ही नजर आता है यहाँ पर काफी अच्छा। इस तरह का गैप व्यक्ति को इंडिपेंडेंट नेचर देता है, रेबेलियन टाइप की नेचर होती है व्यक्ति की, और बिल्कुल स्ट्रेट फिंगर। अगर आप इस फिंगर को देखोगे तो आपको कोई भी झुकाव किसी तरफ नजर नहीं आएगा, इसकी वजह से काफी अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स ऐसे नेटिव के रहते हैं। ऐसा नेटिव काफी ओपन माइंडेड होता है, कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर रहते हैं, बिजनेस एक्यूमेन भी स्ट्रांग रहता है ऐसे व्यक्ति का, जिनकी जो मर्करी फिंगर है बिल्कुल स्ट्रेट हो, मर्करी माउंट अच्छा नजर आए। तो ये सभी क्वालिटीज मुझे इनकी मर्करी फिंगर के जरिए इनके भीतर नजर आ रही। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, फिंगर्स के बाद चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को, उसके बाद इनकी सभी रेखाओं को भी हम यहाँ पर एनालाइज करेंगे। तो अगर मैं एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ करता हूं तो कुछ इस तरह की एक रेखा बन रही है, आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से थोड़ा सा लो सेट होता हुआ इनका मर्करी माउंट, लेकिन इस माउंट को स्पेस अच्छी मिल पा रही है। आप देख सकते हैं यहां से आपको यह थोड़ा सा लो सेट होता हुआ नजर आएगा बाकी फिंगर्स के मुकाबले। यह इनका सूर्य माउंट है, यह शनि है, और यह गुरु माउंट है। तीनों माउंट्स को स्पेस अच्छी मिल पा रही है, लेकिन मर्करी माउंट हल्का सा लो सेट, थोड़ी शाई नेचर भी इनको देगा, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल्स में कोई भी दिक्कत नहीं है। और इस माउंट के ऊपर दो खड़ी रेखाएं आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की, ऐसी रेखाएं यहां पर मौजूद हो, या फिर लंबी एक रेखा जिसको मर्करी लाइन कहते हैं वो हो। यहाँ पर लंबी रेखा का तो अभाव है, लंबी रेखा यहाँ पर होती है दोस्तों। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में ऐसी एक लंबी रेखा जैसे मैंने अभी ड्रॉ की है, ऐसी रेखा मौजूद हो तो यह व्यक्ति को बहुत स्ट्रांग बिजनेस एक्यूमेन देती है। तो इस तरह की रेखाएं होने से भी
बिजनेस एक्यूमन बेहतर बनता है व्यक्ति का, और यह रेखाएं व्यक्ति को सोशल भी बनाती हैं। ऐसा व्यक्ति सिंपैथेटिक नेचर का होता है, दूसरों के साथ बहुत अच्छे से पेश आने वाली पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की होती है और सिंपैथेटिक भावनाएं होती हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि फिंगर्स के ऊपर भी आपको ऐसी खड़ी रेखाएं नजर आएंगी। ऐसी खड़ी रेखाएं जितनी ज्यादा हो उतना ज्यादा सोशल व्यक्ति होगा, और साथ ही साथ अगर यहाँ पर भी ऐसी खड़ी रेखाएं ज्यादा हो तो व्यक्ति हीलर भी हो सकता है। यहाँ पर दो ही रेखाएं नजर आ रही हैं इनके मर्करी माउंट के ऊपर जो पॉजिटिव हैं। इस तरह की खड़ी रेखाओं का होना बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। बात करते हैं इनके सूर्य माउंट की। सूर्य माउंट हल्का सा फ्लैट है, दबता हुआ नजर आ रहा है, बहुत ज्यादा उभरा हुआ सूर्य माउंट नहीं, लेकिन स्पेस अच्छी मिल पा रही है सूर्य माउंट को। और अगर आप देखोगे तो आपको चीज नजर आएगी, एक सूर्य रेखा में थोड़ी ओवरलैपिंग है। यहां पर अगर हम देखें तो यह जो ओवरलैपिंग है यह लगभग 50 के आसपास की एज में नजर आ रही है, उसके बाद यह रेखा फिर से स्ट्रांग हो रही है। तो अराउंड 50 की एज के बाद यह सूर्य रेखा पूरी तरह से अपना रिजल्ट देगी और ऐसे व्यक्ति को समाज में खूब मान सम्मान मिल सकता है अगर इस तरह से यह रेखा मौजूद हो। और यह रेखा बेशक अगर यहाँ पर यह गैप ना होता, ओवरलैपिंग ना होती, तो इसके पहले के रिजल्ट भी बहुत अच्छे रहने थे, पहले भी यहाँ पर अच्छा सोशल सर्कल रहेगा। लेकिन 50 प्लस की एज से यह जो रेखा का ऊपर का भाग है यह काफी अच्छी तरह से एक्टिवेट हो जाएगा और बहुत ही अच्छी पहचान इनको सोसाइटी में मिल सकती है। गवर्नमेंट की तरफ से लाभ ऐसे व्यक्ति को मिलता है जिनके हाथ में सूर्य रेखा हो। उसके साथ साथ जो बड़े ऑफिसर्स हैं, जो हायर अथॉरिटीज हैं, उनसे व्यक्ति को काफी लाभ मिल सकता है इस तरह की सूर्य रेखा हाथ में होने की वजह से। तो काफी अच्छी सूर्य रेखा यहाँ पर मौजूद है और इनकी लाइन ऑफ हार्ट, अगर इस लाइन को देखा जाए, यह जो रेखा है बिल्कुल स्ट्रेट चलती हुई, अगर इन दोनों रेखाओं को मैं ड्रॉ करता हूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से एक क्रॉस जैसा चिन्ह ही बन जाता है कंप्लीटली। यह जो रेखाएं हैं, दो रेखाएं की आप नजर आ रही है, सूर्य रेखा और सिमियल लाइन, जो हार्ट की लाइन है इसको हम सिमियल लाइन का नाम देते हैं। इस तरह की रेखा अगर मौजूद हो तो ऐसे व्यक्ति को लाइफ में, अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस करने में दिक्कत आ जाता है। दोस्तों अगर सिमियल लाइन हाथ पे मौजूद हो तो ऐसे व्यक्ति को दिक्कतें रह सकती हैं अपनी फैमिली लाइफ से रिलेटेड, और क्योंकि ऐसे व्यक्ति सही तरीके से बैलेंस नहीं कर पाते, थोड़े से वर्क अल्कोहलिक हो सकते हैं ऐसे व्यक्ति जिनके हाथ में बिल्कुल स्ट्रेट सीधी रेखा मौजूद हो इस तरह की हार्ट की लाइन, तो यह थोड़ी सी दिक्कत इनकी लाइफ में क्रिएट कर सकती है और इन्हें बैलेंस करना सीखना होगा। लेकिन सूर्य रेखा बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाली यहां पर नजर आ रही है। आगे आप देख सकते हैं इनकी जो यहां पर एक चिन्ह बन रहा है, बिल्कुल फिश जैसा सिंबल आपको नजर आएगा इस एरिया में। अगर हम इसको देखें तो आप अगर इन रेखाओं को चेक करते हैं तो आपको इस तरह का यहाँ पर एक फिश जैसा चिन्ह बिल्कुल हथेली के सेंटर में बनता हुआ नजर आएगा। इस तरह का चिन्ह अगर हाथ में बन रहा हो तो यह चिन्ह दर्शाता है कि नेटिव को फेम मिलना स्वाभाविक है, अपने किसी खास आर्टिस्टिक क्वालिटी की वजह से, या फिर ऐसा व्यक्ति गवर्नमेंट से जुड़ी किसी ऐसी संस्था को ज्वाइन कर सकता है जिसके जरिए ऐसे व्यक्ति को काफी अच्छा फेम भी मिल सकता है। इस तरह का फिश का चिन्ह यहाँ पर इनकी हथेली में बिल्कुल इनकी हार्ट लाइन के ऊपर बनता हुआ नजर आ रहा है, तो यह बहुत ही पॉजिटिव चिन्ह के तौर पर इसको हम देख सकते हैं। आगे आप देख सकते हैं इनके हाथ में बनने वाली इनकी जो रेखा है जिसको हम भाग्य रेखा कहते हैं, भाग्य रेखा यहाँ पर मौजूद है। दोस्तों अब यहाँ पर एक चीज नजर आएगी आपको, वो ये है कि भाग्य रेखा की जो शुरुआत है वो भी लगभग मिडिल एज में ही हो रही है। यहाँ पर जो इनकी लाइन ऑफ लाइफ है इसके बिल्कुल मध्य में चलकर यह रेखा लगभग 45 के बाद की एज से एक ऑफशूट ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ, जो इंडिकेट करता है कि लगभग 45 और 50 के बीच की एज में इन्हें प्रोग्रेस मिलना शुरू होगा और उसके बाद लाइफ में काफी अच्छी प्रोग्रेस रहेगी। और बीच में गैप आ रहा है इस रेखा में, भाग्य रेखा के बीच में गैप होना यह इंडिकेट करता है कि लाइफ में अप्स एंड डाउन्स का भी इनको सामना करना पड़ेगा। अगर एक सीधी भाग्य रेखा हाथ में हो तो व्यक्ति को ज्यादा दिक्कतें नहीं आती और लाइफ बहुत स्मूथ रहती है, लेकिन अगर भाग्य रेखा में गैप आ जाए तो यह इंडिकेट करती है कि अप्स एंड डाउन्स का सामना करने के बाद ही प्रोग्रेस मिलेगी। और खास चीज पर अगर आप देखोगे तो इनकी जो लाइन है यहाँ हार्ट लाइन से बिल्कुल ऊपर बहुत ही स्ट्रांग हो रही है, जो इंडिकेट करती है कि हार्ट लाइन के ऊपर से ये जो भाग्य रेखा है ये ओल्ड एज में बहुत अच्छे रिजल्ट देगी और काफी अच्छी इनकम, नेम एंड फेम यह लेटर एज में पा लेंगे। अब बात करते हैं इनकी जो लाइन ऑफ प्रोग्रेस है उसकी।
आप देख सकते हैं यहां से एक प्रोग्रेस लाइन एक लंबी रेखा ऊपर की तरफ बढ़ती हुई। इस तरह की प्रोग्रेस लाइन अगर हाथ में मौजूद हो तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही नॉलेजेबल होता है, अपनी नॉलेज की वजह से लाइफ में प्रोग्रेस पाता है। दोस्तों यहां पर आपको ये लंबी एक प्रोग्रेस लाइन इनके गुरु माउंट के ऊपर चलती हुई नजर आएगी। इस तरह की प्रोग्रेस लाइन होना बहुत ही पॉजिटिव चिन्ह है। ज्ञानवान होते हैं ऐसे व्यक्ति, स्पिरिचुअल माइंडेड होते हैं, लेकिन फिंगर शॉर्ट होने की वजह से थोड़े से जल्दबाज होते हैं। तो इस तरह की नेचर इनकी रहेगी, लेकिन जो इनकी रेखाएं हैं वो बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही अच्छे वाइब्रेशन देती हुई और काफी अच्छी प्रोग्रेस को दर्शाती हुई। अब बात करते हैं इनकी लाइन ऑफ हार्ट की, जिसके बारे में ऑलरेडी मैंने बताया कि बिल्कुल स्ट्रेट है। इस तरह की लाइन होने से फैमिली लाइफ में थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। नेटिव वर्क अल्कोहलिक हो सकता है, लेकिन माइंड बहुत शार्प होगा दोस्तों, क्योंकि ये जो रेखा है ये बिल्कुल हथेली के दूसरी तरफ पहुंच रही है। अगर हम इस रेखा की बात करें तो यही रेखा हार्ट लाइन के तौर पर काम कर रही है और यही रेखा जो है यहाँ पर इनकी माइंड लाइन के तौर पर काम भी कर रही है। तो ऐसे व्यक्ति का माइंड बहुत शार्प होता है और मैंने देखा है कि जिनके हाथ में ये सेमी लाइन होती है ऐसे व्यक्ति प्रोग्रेस बहुत करते हैं, काफी अच्छी तरक्की करते हैं। इसी के साथ साथ एक रेखा आपको और नजर आएगी, यहां से चंद्र क्षेत्र से एक रेखा ऊपर की तरफ जो आगे बढ़कर एक फिश जैसा सिंबल क्रिएट कर रही है। यहां पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से ये फिश का सिंबल भी बना रही है और आगे ये बढ़ रही है रेखा। चंद्र क्षेत्र से अगर ऐसी रेखा को निकलकर शनि माउंट की तरफ बढ़ती है तो ऐसे व्यक्ति को विदेश से लाभ मिल सकता है, फॉरेन जाने का मौका मिल सकता है। ऐसा व्यक्ति अपने घर से दूर किसी दूसरी प्लेस पर जा सकता है। उसी का एक और चिन्ह आपको यहां नजर आएगा, जैसे यह इनकी लाइफ लाइन है, पहले तो यही बाहर की तरफ निकल रही है, दूसरा यहां पर यह रेखा एक फिश का सिंबल क्रिएट कर रही है कंप्लीट। इस तरह का फिश का सिंबल, यह जो फिश का सिंबल है दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति के हाथ में कंप्लीट बन रहा हो तो यह इंडिकेट करता है कि ऐसा व्यक्ति फौरन से धन पा सकता है। अचानक धन लाभ के चांसेस ऐसे व्यक्ति की लाइफ में मिलते हैं और जिनके हाथ पर इस तरह का कंप्लीट फिश का सिंबल होता है ऐसे व्यक्ति को इनहेरिटेड वेल्थ मिल सकती है। अचानक धन लाभ इंश्योरेंस का पैसे के रूप में या इनहेरिटेंस लीगेसी के रूप में ऐसे व्यक्ति को मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं और विदेश से धन कमाने के जो योग होते हैं वो भी इस तरह का चिन्ह होने की वजह से नेटिव के हाथ में यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और ओवरऑल अगर देखा जाए इनकी जो लाइन ऑफ लाइफ है यह भी कुछ इस तरह से बाहर की तरफ चलती हुई, तो यह एक संभावना व्यक्त करती है कि ऐसा व्यक्ति अपने घर से दूर किसी दूसरी प्लेस पर जाकर बस सकता है, लंबे समय के लिए स्टे कर सकता है। इस तरह की संभावनाएं और लगभग 80 के आसपास की एज को दर्शाती हुई यह रेखा। चंद्र माउंट की अगर हम बात करें तो चंद्र माउंट बिल्कुल क्लियर है, यहां से एक रेखा ऊपर की तरफ बढ़ रही है जो लंबी दूरी की यात्रा को इंडिकेट करती है। भारी सपोर्ट को, क्लाइंट्स की सपोर्ट ऐसे व्यक्ति को मिलती है, लॉस की सपोर्ट भी ऐसे व्यक्ति को मिलती है जिनके हाथ पे ऐसी एक रेखा मौजूद हो। और अगर वीनस की बात करें तो वीनस माउंट काफी उभरा हुआ है, लेकिन वीनस माउंट के ऊपर कुछ ऐसी रेखाएं भी मौजूद हैं। ऐसी रेखाएं अगर दोस्तों वीनस माउंट के ऊपर आ जाती हैं तो मैरिड लाइफ में थोड़ी डिस्टर्बेंस होने की संभावनाएं, अनस्टेबिलिटी इन मैरिड लाइफ हो सकती है, लेकिन वीनस माउंट उठा हुआ है जिसकी वजह से हर तरह की सुख सुविधाएं इनको लाइफ में जरूर मिलती हैं। तो यह कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।